हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खाना हिंदुस्तानी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन दो प्याज़ा। ये हमारे यहाँ अक्सर दिल्ली में दावतों और शादियों में बनाया जाते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जो की जरूरत है आइए वो देख लेते हैं। ये हमने 1 किलोग्राम चिकन लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश करके रखा है। 250 ग्राम यानी 250 ग्राम हमने दही लेकर इसे बीट करके रखा है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इसको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। 4 मीडियम साइज़ के हमने टोमेटोज लिए थे, इसका हमने पेस्ट बना के रखा है। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर हमने इसको इस तरह से काट दिया है, इसके पल्प निकाल लिए हैं, अलग कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से इसको हमने अलग अलग कर दिया है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट का लिया है। 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च, 3 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है, नमक, 3 तेज़पात लिए हैं, 1 टीस्पून हमने क्यूमिन सीड्स लिए हैं यानी ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्चें, 10 से 12 लौंग ली है। इसके अलावा हमने 1 टीस्पून लिया है कसूरी मेथी, इसे हमने हाथ से क्रश कर लिया। सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे और 1/2 हम बचा लेंगे ग्रेवी के लिए। नमक डाल देंगे जो अभी हमने आपको दिखाया था, रेड चिली पाउडर डाल देंगे सारा, टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और हैंड वॉश करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ से ही अच्छा मिक्स होता है। अब मिक्स करने के बाद हम 1 घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे फ्रिज में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा रख लें। रेसिपी आज मैं तांबे की एक पतीली में बनाऊंगी, आज मैं कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर रही। 100 मिलीलीटर मैंने वेजिटेबल ऑयल गरम करने के लिए रखा है पतीली में। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसे हम सिर्फ 2 मिनट फ्राई करके फौरन निकाल लेंगे। और अब हमने ये निकाल लिया है, अब ये गरम मसाले हमने डाल दिए हैं, इसे भी लाइट गोल्डन कर लेंगे। और इसके बाद हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, ये हमने डाल दी है, इसे लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो प्याज हमारी यहाँ लाइट गोल्डन हो गई है। अब हम यहाँ पे ये बचा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आधा हमने मैरिनेशन में इस्तेमाल किया था और आधा हम यहाँ डाल रहे हैं। इसे डालने के बाद इसे भी हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ में। ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसमें टोमेटोज़ का पेस्ट डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा था, ये रहा, ये डाल देंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ टोमेटोज़ का पेस्ट भी फ्राई हो गया है, ये देखिए, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, ये देखिए। तो अब इस स्टेज पर हम अपना ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। दोस्तों, मैरिनेशन की वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है चिकन का, तो जब भी आप चिकन बनाएं तो उसे पहले 1/2 से 1 घंटे मैरिनेट कर लें। उससे ये होता है कि सारे मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हम 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से इसको चलाते हुए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। चिकन को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो अब इस स्टेज पर हम ये दही भी डाल देंगे जो अभी हमने बीट करके रखी थी। दही भी अपना पानी छोड़ेगी और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, तो उसमें ये चिकन टेंडर होगा। इसे हम पकाएंगे 10 से 12 मिनट तक ढककर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ढककर। चिकन को पकते हुए 12 से 13 मिनट हो गए हैं, इसे हमने 1-2 बार मिक्स भी कर दिया था, तो ये टेंडर हो चुका है, हमने चेक कर लिया था। चिकन टेंडर हो जाने के बाद अब हम ये मेथी डाल देंगे इसमें और साथ में ही ये गरम मसाला भी डाल देंगे जो अभी हमने आपको दिखाया था। और अब इसको मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम अभी भी हमारी मीडियम ही है। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल भी हमारा सेपरेट हो गया है। तो इस स्टेज पर अब हम पानी डाल देंगे इसके अंदर ग्रेवी के लिए। आपको जितनी थिक रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा। मैं यहाँ 1 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, मुझे ये थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है,
तो अब पानी के कच्चेपन को दूर करने के लिए हम इसकी प्लेट ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट हो गए हैं तो इसी स्टेज पर अब हम फ्राई की हुई प्याज भी डाल देंगे। प्याज के साथ ही मैंने ये 3 साबुत लाल मिर्च भी फ्राई कर ली थी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो नहीं डालें। तो सालन हमारा तैयार है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के बाद इसे डिश आउट करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा चिकन दो प्याज़ा बनके तैयार है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो अब जल्दी से दोस्तों एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चैनल खाना हिंदुस्तानी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।